हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओकेकार 24/7। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर के महीने में 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कारों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें। शुरुआत करेंगे 10th पोजीशन पर आने वाली किया सोनेट के साथ। किया सोनेट की अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में 11,721 यूनिट बिकी हैं। ये गाड़ी सितंबर के महीने में 11th पोजीशन पर थी, जो कि अब टॉप 10 में आ गई है। किया सोनेट की एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन 50,000 से ज़्यादा यूनिट बुक हो चुकी हैं, यानी कि आने वाले महीनों में आप इसकी और भी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देख पाएंगे। किया सोनेट पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसका माइलेज 18.2 to 24.1 kmpl क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्शोरूम प्राइस 6,72,000 रुपए से शुरू होकर के 12,99,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइसेस 7,55,000 रुपए से शुरू होती हैं। 9th पोजीशन पर आई है मारुति विटारा ब्रेजा। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 12,087 यूनिट बिकी हैं। ये गाड़ी उससे पहले 12th पोजीशन पर थी, जो कि अब 9th पोजीशन पर आ गई है। इस गाड़ी में आपको केवल पेट्रोल वेरिएंट मिलता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 17.03 to 18.76 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक्शोरूम प्राइस 7,34,000 रुपए से शुरू होकर के 11,41,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 8,26,000 रुपए से शुरू होती है। 8th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी ईको। इस गाड़ी की अक्टूबर के महीने में 13,309 यूनिट बिकी हैं। ये गाड़ी सितंबर में 7th पोजीशन पर थी। पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। 16.11 to 30.47 kmpl इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्शोरूम प्राइस 3,82,000 रुपए से शुरू होकर के 4,96,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 4,30,000 रुपए से शुरू होती है। 7th पोजीशन पर आई है Hyundai Grand i10। Hyundai Grand i10 की अक्टूबर के महीने में 14,003 यूनिट बिकी हैं। ये गाड़ी सितंबर के महीने में 8th पोजीशन पर थी। पेट्रोल, सीएनजी और डीजल तीनों ही वेरिएंट मिल जाते हैं मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन के साथ। 20 to 25 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्शोरूम प्राइस 5,13,000 रुपए से शुरू होकर के 8,36,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 5,76,000 रुपए से शुरू होती है। 6th पोजीशन पर आई है Hyundai की क्रेटा। Hyundai Creta की अक्टूबर के महीने में 14,023 यूनिट बिकी हैं। ये गाड़ी इससे पहले भी 6th पोजीशन पर ही थी। पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 17 to 21 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्शोरूम प्राइस 9,82,000 रुपए से शुरू होकर के 17,33,000 रुपए तक जाती है। हाल ही में इसके बेस वेरिएंट में पेट्रोल को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिससे इसकी कीमत और भी कम हो गई है। हालांकि इस पर थोड़े प्राइस अभी बढ़ाए गए हैं बाकी वेरिएंट्स पर। 5th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी डिजायर। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 17,675 यूनिट बिकी हैं। सितंबर के महीने में भी ये गाड़ी 5th पोजीशन पर ही थी। केवल पेट्रोल में आती है मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 23.26 to 24.12 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्शोरूम प्राइस 5,89,000 रुपए से शुरू होकर के 8,81,000 रुपए तक जाती है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ में बताया गया है कि कौन सी गाड़ी कितने परसेंट मार्केट शेयर करती है भारत में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी ब्रांड हैं, तकरीबन 14 ब्रांड हैं भारत में जो अभी गाड़ियाँ अपनी बेच रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा लगभग 50% मार्केट मारुति सुजुकी ने कवर किया हुआ है। 4th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी ऑल्टो। इस गाड़ी की अक्टूबर के महीने में 17,850 यूनिट बिकी हैं। पिछले महीने ये गाड़ी 3rd पोजीशन पर थी। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन मिलते हैं केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 22.05 to 31.59 किलोमीटर पर केजी का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्शोरूम प्राइस 3 लाख रुपए से शुरू होकर के 4,37,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 3,27,000 रुपए से शुरू होती है। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनार। इस गाड़ी की अक्टूबर के महीने में 18,703 यूनिट बिकी हैं। उससे पहले ये गाड़ी 4th पोजीशन पर थी, जो कि अब टॉप 3 में आ गई है। इस गाड़ी में पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 20.52 to 32.52 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्शोरूम प्राइस 4,51,000 रुपए से शुरू होकर के 6 लाख रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस मारुति वैगनार के लिए 4,90,000 रुपए से शुरू होती है। सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग कार है मारुति सुजुकी बलेनो।
नेक्सा शोरूम से बेची जाती है बलेनो, इसकी अक्टूबर के महीने में 21,971 यूनिट बिकी हैं। उससे पहले यानी सितंबर में भी ये गाड़ी सेकंड पोजीशन पर थी और सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 19,433 यूनिट बिकी थी। दोस्तों जल्दी हम टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली बेस्ट सेलिंग कार, कार पर मिल रहे डिस्काउंट की जानकारियां मिलती रहें और कार के वेरिएंट एक्सप्लेन की वीडियो भी हम बनाते हैं जिसमें आपको कार के बेस से लेकर टॉप तक किस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे उसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर हमने तकरीबन 5 से ज़्यादा कारों के वेरिएंट एक्सप्लेन कर दिए हैं और जल्द ही हम और भी गाड़ियों के वेरिएंट एक्सप्लेन की वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मारुति सुजुकी बलेनो में केवल पेट्रोल वेरिएंट आता है मैनुअल और ऑटोमेटिक के सीवीटी ट्रांसमिशन में। 1197 सीसी का इंजन 19.56 टू 21.96 केएमपीएल का माइलेज देता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 5,70,000 रुपए से शुरू होकर के 9,03,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस मारुति बलेनो के लिए 6,19,000 रुपए से शुरू होती है। पिछले 3 महीनों से नंबर 1 पोजीशन पर काबिज है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 24,589 यूनिट बिकी हैं और ये नंबर 1 पोजीशन पर आई है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की उससे पिछले महीने यानी सितंबर में 22,643 यूनिट बिकी थी, तब भी ये नंबर 1 ही पोजीशन पर थी और इस गाड़ी में केवल पेट्रोल वेरिएंट ही मिलता है मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 1197 सीसी का इंजन 21.21 केएमपीएल का माइलेज देता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 5,19,000 रुपए से शुरू होकर के 8,02,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 5,69,000 रुपए से शुरू होती है। दिसंबर के आसपास मारुति सुजुकी स्विफ्ट का हाइब्रिड वेरिएंट भी हो सकता है इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए। इसके अलावा अभी हाल ही में इसका एक स्पेशल एडिशन आया है जिसमें आपको तकरीबन 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, उसके साथ गाड़ी की कुछ एसेसरीज आपको मिल जाएंगी। उसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना दिया है और जल्द ही हम Hyundai i20 का जो नया वेरिएंट आ रहा है थर्ड जनरेशन उसका वीडियो भी लेकर के आएंगे जहां पर उसमें कौन से वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिलेंगे उसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जहां पे आपको कारों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहती हैं।